एक राष्ट्र एक चुनाव इसे लेकर विशेष समिति जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई है, उनकी दूसरी बैठक विशेष कमेटी की पूरी हो चुकी है और उस बैठक में विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, रोड मैप पेश किया है कि अगर एक राष्ट्र एक चुनाव इसकी अवधारणा को साकार किया जाए कैसी चुनौतियां आएंगी और उन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या संवैधानिक कानूनी और व्यावहारिक चुनौतियों से निपटने के उपाय क्या होंगे, इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है। लगभग 1.5 घंटे मीटिंग चली है और उस मीटिंग में समिति के 7 सदस्य, समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जी और इसके अलावा विधि आयोग के चेयरमैन जस्टिस ऋतुराज अवस्थी अपने दोनों मेंबर सेक्रेटरी और सदस्यों के साथ इसमें मौजूद थे। 2 घंटे से ज्यादा यहाँ पर चर्चा चली है। तो ऐसे में अब सबसे पहले राष्ट्रपति जी का काफिला यहाँ से निकल रहा है, पूर्व राष्ट्रपति जी यहाँ से जा रहे हैं जो कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इसके साथ ही फिर यहाँ से बाकी लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से बाहर निकलने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी हैं और बाकी तमाम सदस्य इसमें हैं, जिसमें कांग्रेस के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं, न्यायविद हरीश सालवे जी हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष सिंह कश्यप जी हैं। तो वो तमाम लोग अब मीटिंग समाप्त होने के बाद सारे लोग बाहर निकल रहे हैं। यानी एक राष्ट्र एक चुनाव के रास्ते में एक कदम और आगे बढ़ गई है समिति, जिस पर आगे उन चुनौतियों पर विचार हो रहा है, चुनौतियों के साथ साथ ये भी कि उन चुनौतियों से निपटने के लिए उपाय क्या किए जा सकते हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत हुई है। यानी अब इसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि अगली बैठक निर्वाचन आयोग के साथ होगी और इसके साथ ही एक कदम और इस तरफ बढ़ाने में मदद मिलेगी। उम्मीद की जा रही है, जैसा कि सरकार भी ये कह रही है और जो व्यावहारिक भी है उसमें ये कि 2024 के चुनाव में तो ये अवधारणा साकार नहीं होगी, लेकिन हाँ 2029 का लोकसभा चुनाव जब होगा तब शायद एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चीजें साकार हो जाएं, उस पर सारे चुनौतियों का समाधान निकल जाए और उस पर इस पर आगे बढ़ा जा सके। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।